नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतली न्यूज से आपको आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उद्यान महोत्सव बिहार 2021 में आपको फूड डेकोरेशन मतलब फल को काट करके जो सजावट होता है उसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है पूरे बिहार में। कैसा लग रहा है? क्या आप सोचे थे कि प्रथम पुरस्कार मिलेगा आपको? मतलब मेहनत था कि पहला पुरस्कार मिल ही जाएगा। बधाइयाँ। क्या आपने बनाया था वो जरा दिखाइए या समझाइए। ये ऑरेंज का रोज बनाए थे यहाँ, और ये पत्ता है ना, वो धनिया पत्ता का पत्ता बनाए थे। हाँ हाँ। और ये बीच की कली है, और ये सेब का मोर बनाए थे। ओ, पीकॉक मोर। हाँ, जी। और ये खीरा और गाजर और मूली का मिलकर फ्लावर फूल बनाए थे। ये सब लग रहा है अधिक गर्मी के कारण सूख गया ना। जी, गर्मी के कारण सूख गया ना। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपकी इसका प्रशिक्षण भी लिया आपने बनाने का? ये नहीं, फूड डेकोरेशन का नहीं आपने लिया है, ऐसे ही पहला प्रयास था, पुरस्कार मिल गया। पहली बार पुरस्कार मिला है? बधाई। अपना परिचय जरा दे दीजिए। अपना नाम बताइए जरा। स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। पढ़ती है अभी? जी। किस कॉलेज में? टेंथ क्लास में। कौन सा कॉलेज? टेंथ में। स्कूल में कौन सा स्कूल? स्कूल पुपड़ी में एडमिशन है मेरा, बिहार बोर्ड से पढ़ती हूं। बिहार बोर्ड से। अच्छा, ये आगे पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? एग्रीकल्चर में ही आऊँगी। इसी क्षेत्र में, कृषि में ही आना है? और ये कृषि क्षेत्र में ही आना है? हाँ। और क्या बनना है? कृषि वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक बनना। ये प्रेरणा कैसे मिलेगी, कृषि वैज्ञानिक ही बनना है? वो बोले कि इसमें बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी काफी। अपनी दीदी है वो? नहीं, अपनी नहीं है, मेरे अंकल लगेंगे, उनकी बेटी है। अच्छा, तो उनको देखा। उनका क्या नाम है? उनका नाम ये गमगम नाम है। क्या? गमगम। गमगम, अच्छा। उन्हीं से प्रेरणा मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी आपकी जो मिशन है उसमें कामयाब हो, और एक कृषि वैज्ञानिक बन करके आप महिला कृषि वैज्ञानिक विशेष रूप से भारत माता की सेवा करें और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृतली, अमृतली न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।